हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, जल्दी भरें ऑनलाइन फॉर्म, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो भी वीडियो आ रहे हैं विद प्रूफ के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर ही दो नोटिस देख पा रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले, यानी जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और जो स्टूडेंट मेडिकल की भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले योजना के पंजीकरण के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। गूगल फॉर्म लिंक, ये देखिए लिंक यहाँ पर जो दिया गया है, इस पर लगातार दो तीन वीडियो आ चुके हैं। इस पर संपूर्ण वांछित सूचना पूरित कर फॉर्म सबमिट करें। अब ये लिंक कहाँ पर हमें मिलेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक प्रोवाइड किया गया है। आसानी से आप स्टेप बाई स्टेप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या किसी कैफ़े वाले के पास जाकर। पूरी सेम टू सेम लिंक है जिस पर हम लगातार स्टूडेंट को अपडेट दे रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक डाउट में थे, जिन्हें लगता था ये केवल बनाया हुआ फॉर्म है, गूगल सीट है और यहाँ पर कोई भी ऐसा लिंक कानपुर यूनिवर्सिटी ने या फिर किसी अच्छे कॉलेज ने जारी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं विथ प्रूफ वीडियो आ रहे हैं, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो जो लिंक है बिल्कुल सेम टू सेम लिंक टाइप करके, एक एक अच्छा टाइप करके विथ प्रूफ, आपको जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आसानी से क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं गूगल फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 नवंबर 2021। तो तुरंत आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में दो तीन वीडियो आपको इसी टॉपिक पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एनरोलमेंट नंबर या कौन सा सब्जेक्ट भरें, क्या क्या भरें, तो इस पर एक अलग से भी वीडियो आ चुका है। आप आसानी से वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहां पर दिया गया है कि गूगल फॉर्म सबमिट करने के उपरांत इस सूचना के साथ संलग्न फॉर्म को प्रिंट करके सभी सूचनाएं पूरित करें। मतलब इस गूगल फॉर्म को सबमिट कर दें और सूचना के साथ संलग्न फॉर्म को, जो भी फॉर्म है तो यहाँ पर जमा करने की बताया जा रहा है, सूचना पूरित करें। पूरे संलग्न फॉर्म मूल प्रति में महाविद्यालय काउंटर में जमा करें तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। तो जब भी आप इस फॉर्म को भरें, अगर आप अपने मोबाइल लैपटॉप किसी से भर रहे हैं, तो आप अगर उसका स्क्रीन जो होता है वो रिकॉर्डर चालू करें। मतलब जो भी आप फॉर्म भरें हैं उसका, जो भी आप फॉर्म भरें उसका आप आसानी से प्रिंटआउट ले सकें, मतलब स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें जहाँ से भी भरवाएं या फिर अगर खुद भर रहे हैं। महाविद्यालय काउंटर पर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर है, यानी 11 नवंबर तक आप आसानी से, अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से 11 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये था कानपुर एरिया का। अब दूसरा भी नोटिस कानपुर एरिया का ही है, जो कि मैं आपको अब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट मेडिकल के क्षेत्र में कोई डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि कुछ कर रहे हैं, उनके लिए ये नोटिस है। कार्यालय प्रधानाचार्य GSVM मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जो कि कानपुर में है, अंतर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का डाटाबेस उपलब्ध कलेक्शन करने एवं उसकी स्वच्छता सुनिश्चित उपलब्ध कराने हेतु डॉक्टर प्रमोद कुमार आचार्य एनाटॉमी विभाग में यहाँ पर नामित किया गया है। यानी जो भी आपका फॉर्म है, यहाँ पर क्या किया गया है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए नहीं कहा गया है, ऑनलाइन आपका कॉलेज वाले ही करेंगे, यानी GSVM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक सारे मेडिकल कॉलेजों में ये नोटिस पहुँचा नहीं है, या फिर अगर नोटिस पहुँच भी गया है तो उन्होंने कोई
फॉर्मेट नहीं दिया है कि आखिर में स्टूडेंट को जो भी लिंक हमने बताया है जहाँ पर आप कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जो लिंक दिया गया है वहाँ पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को भरेंगे, या फिर आप अपना डाटा जो भी है अपने सारे फोटो कॉपीज वगैरह असली डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी वगैरह स्कूल में जमा कर देंगे और स्कूल वाले अपने स्तर से ये फॉर्म भरेंगे। ये अभी सारे मेडिकल कॉलेजों ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अगर डिग्री कॉलेज की बात करें, कानपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी डिग्री कॉलेज हैं सारे डिग्री कॉलेजों में ये नोटिस आ गया है। काफ़ी सारे कॉलेजों ने तो लगभग अपना सारा डाटा इस लिंक पर भर के शासन को सबमिट भी कर दिया, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी को सबमिट भी कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर गूगल सीट होता है ये कैसे मान लें कि हम ये सही एग्जाम सही फॉर्म भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये गूगल सीट सबसे सिंपल फॉर्म होता है, आसानी से आपका डाटा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में इंटर हो जाता है। तो इस पर घबराइए नहीं, जो भी आपको चैनल द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल जेन्यून इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर आप अभी तक जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अगर उन्होंने अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा, कहीं ये लिंक डीएक्टिवेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी तक किन स्टूडेंट हमने फॉर्म नहीं भरा है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके मन में डाउट हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।